बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा, ऐसी चैनल जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने में मदद करे। आज मैं बात करूंगी ड्रामा ट्रायंगल के बारे में। ड्रामा ट्रायंगल क्या है? अगर आपकी लाइफ फुल ड्रामा से भरी हुई है, आपके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं और कुछ ना कुछ एक ड्रामा के साइकिल में घूमते रहते हैं, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। ड्रामा ट्रायंगल एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक साइंटिस्ट स्टीफन कापमैन ने 1968 में इन्वेंट किया था। इसके हिसाब से हम तीन रोल्स में घूमते रहते हैं। पहला है विक्टिम का, दूसरा है पर्सिक्यूटर यानी विलन का, और तीसरा है रेस्क्यूअर यानी हेल्पर का। तो हम बिना अपने जाने ही अनकॉन्शियसली इन रोल्स में घूमते रहते हैं और हमारे आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्फ्लिक्ट ऑफिस में या घर पर होते रहते हैं। तो हम इस ट्रायंगल से कैसे बाहर निकले, उसके लिए हमें समझना पड़ेगा ये तीन रोल्स हैं क्या। तो पहला है विक्टिम का रोल। तो विक्टिम किस तरह की भाषा यूज करता है कि ये मेरे साथ हो रहा है, मैं इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकता, मुझे इसी चीज़ के साथ हमेशा रहना पड़ेगा, बेचारा मैं, बेचारी मैं, बेचारा या बेचारी मैं कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में। ऐसे लोग अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं, वह सिचुएशन पे छोड़ देते हैं या फिर लोगों पे छोड़ देते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे साथ ये हो रहा है। तो इनकी भाषा में भी वो हमें चीज़ ये दिखती है। दूसरा रोल है पर्सिक्यूटर यानी विलन का। तो विलन जो है वो हमेशा ब्लेम दूसरों पर डालता है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसके गलतियों का या फिर उस सिचुएशन का। वो हमेशा ढूंढता है कि किसको ब्लेम करे इस सिचुएशन के लिए, वो उस चीज़ को सुधारने की भी कोशिश नहीं करता है, वो प्रॉब्लम डिस्कस करता है, सोल्यूशन नहीं। तो वो कैसे फ्रेजेस यूज करेगा कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा करा इसलिए हो गया, तुम्हारे कारण मुझे ये करना पड़ रहा है, तुम ठीक से काम नहीं करते, मुझे पता होना चाहिए था कि ये चीज़ ऐसे टर्न आउट होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो होता क्या है कि विलन और विक्टिम ये सांठगांठ चलती है हमेशा। जहाँ पर एक विक्टिम है वहाँ एक विलन रहेगा, और जहाँ पे एक विलन कोई रोल अज्यूम कर लेता है वहाँ पे ही विक्टिम बन जाता है कोई ना कोई अपने आप। तो ये लोग काफ़ी इंटिमिडेटिंग टोन में बात करते हैं, वो दबाने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, स्पेशली विक्टिम को, और उनमें एक सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी होती है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और अपनी सिचुएशन जो भी सिनेरियो क्रिएट हुआ है कॉन्फ्लिक्ट का उसके जिम्मेदार दूसरे ही हैं, हम तो हो ही नहीं सकते। और तीसरा रोल है रेस्क्यूअर का यानी हेल्पर का। तो ऐसे लोग हेल्प करने के बहाने खुद के बारे में बेटर फील करना चाहते हैं। तो एक्चुअली वो दिखता तो ऐसा है कि बड़े काइंड लोग हैं, हेल्प करना चाह रहे हैं, मीडिएटर बनना चाहते हैं, उस सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं या सॉल्व करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम को, बट एक्चुअली वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनको खुद के बारे में बेटर फील होता है कि उनकी ज़रूरत है, वो नीडेड फील करते हैं, इसीलिए वो हेल्प कर रहे हैं, वो हेल्प करने के दृष्टिकोण से हेल्प नहीं कर रहे। तो ये और विक्टिम दोनों की साठगांठ भी अच्छी बैठती है, क्योंकि विक्टिम को लगता है कि फाइनली कोई आ गया मुझे मेरी सिचुएशन से बचाने के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है, हमें खुद अपने आप को अपनी सिचुएशन से बाहर निकालना होता है। और हेल्पर को लगता है कि मैं बहुत ग्रेट हूँ क्योंकि मैं हेल्प कर रहा हूँ सामने वाले की, बट ऐसा नहीं है, ये वही ट्राइंगल है जिसमें हम रोटेट करते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स मैं एंड में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी, बट आइए देखते हैं कि हम इस ट्राइंगल को ब्रेक कैसे कर सकते हैं और दूसरा एक एम्पावरिंग ट्रायंगल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम इस ड्रामा ट्रायंगल से बाहर कैसे निकलें? तो पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। हमें ये देखना है कि हमारे रिलेशनशिप्स में किस तरह के पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। क्या हम रिलेशनशिप आफ्टर रिलेशनशिप एक ही जैसे लोगों से मिलते हैं, एक ही तरह के झगड़े होते हैं, एक ही तरह के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं? क्या हम ऑफिस में भी सिमिलर टाइप के झगड़े होते हैं? अगर आप जॉब भी बदल लें तो भी सेम सिनेरियोज आते हैं? तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि शायद हम किसी ना किसी एक ट्रायंगल या एक ड्रामा ट्रायंगल के पार्ट हैं, और हम या तो विक्टिम या विलन या फिर एक रेस्क्यूअर के रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए कि हम इस रोल को प्ले कर रहे हैं, ये रोल सब लोग प्ले करते हैं बिना जाने, बट हमारा काम क्या है कि हम इस रोल को ब्रेक करें, इस ट्रायंगल को, इस हैमस्टर व्हील को हम ब्रेक करें। तो उसका क्या तरीका हो सकता है? और एक वो है अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना। तो विक्टिम से पहले आप क्रिएटर बनिए। तो विक्टिम से क्रिएटर कैसे बन सकते हैं?
अगर आपको ऐसे फीलिंग्स आ रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन का, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ या मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, कोई आए और मुझे बचाए इस सिचुएशन से, तो उसकी जगह आप ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन हो सकता है। स्टेप बाय स्टेप गो, बड़े गोल को आप छोटे छोटे स्टेप्स में ब्रेक कीजिए और उसके तरफ आगे बढ़िए। आप खुद कोशिश करिए सोल्यूशन ढूंढने के लिए, आप वेट मत करिए कि कोई आपको आके बचाएगा। दूसरा है रेस्क्यूअर या हेल्पर से कोच की तरफ बनना। तो कैसे बन सकते हैं? आप ये ट्रस्ट करिए कि जो विक्टिम है, यूजुअली क्योंकि विक्टिम और रेस्क्यूअर का सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, तो आप ये अज्यूम करिए कि वो विक्टिम जो है वो खुद सोल्यूशन ढूंढ सकता है। आपको आगे रह के मदद करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट आपका मदद करना उस विक्टिम को हैंडीकैप करने जैसा है, क्योंकि अगर वो खुद ढूंढ सकता है आंसर तो उसे खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी लाइफ की, ताकि वो विक्टिमहुड में ना फंसे और उसे आगे बढ़ना चाहिए। तो आप ये ट्रस्ट करिए कि वो खुद अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं और इसी तरह से आप एम्पावर करिए। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बैठ के देखते रहिए अगर किसी को हेल्प चाहिए, तो आप सही क्वेश्चंस पूछिए कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं सोल्यूशन, आपको सोल्यूशन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये है दूसरा कंस्ट्रक्टिव वे, एक रेस्क्यूअर के रोल से कोच के रोल की तरफ ट्रांसफॉर्म होना। और तीसरा है विलन से चैलेंजर बनना। अब विलन क्या होता है? वो इंटिमिडेटिंग बिहेवियर दिखाता है, वो ब्लेम करता है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, अगर ये नहीं करते तो ऐसा होता, वो नहीं करते तो वैसा करते। बट इसकी जगह आप चैलेंजर बनिए, आप ऐसे क्वेश्चंस उनको पूछिए जिससे कि वो विक्टिमहुड से बाहर निकल पाए, वो विक्टिमाइज्ड फील ना हो, वो उसे चैलेंजिंग लगे अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालना। और जो चैलेंजर का रोल है वो खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सिचुएशन की, वो ब्लेम ना करे। तो अगर आप अपने आप को विलेन के रोल में पा रहे हैं तो आप ब्लेम करने से बचें और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उस सिचुएशन की, कि शायद आपके भी कोई एक्शंस रहे हैं जिसके कारण ये सिनेरियो क्रिएट हुआ है, और दूसरों को भी एनकरेज करें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, उनको विक्टिमहुड में ना फंसे रहने देने। और इंटिमिडेट करके बात करने की जगह शांत दिमाग से चैलेंज करते हुए आप क्वेश्चन पूछिए, असर्टिवनेस से, एग्रेसिवनेस से नहीं। इन कॉन्सेप्ट्स को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज वर्क सिनेरियो में एक मैनेजर एक एम्प्लॉई के परफॉर्मेंस से, उसके टीम मेंबर के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, तो वो उसे बुलाकर डांटता है कि ये तुमने कैसा परफॉर्म किया है, तुम्हें और इम्प्रूव करना चाहिए, बहुत ही इंटिमिडेटिंग टोन में उसे बोलता है और उसे निकालने की धमकी भी देता है। ऐसे केस में वो एम्प्लॉई विक्टिमाइज्ड फील करता है, तो वो अपनी व्यथा को, उसे लगता है कि अब क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है और मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ, मेरे काम को अप्रिशिएट ही नहीं किया जाता है, मैंने इतना हार्डवर्क डाला तो भी मैनेजर को दिखा नहीं और मैनेजर तो ऐसा ही करता है हमेशा, तो उसे विक्टिमाइज फील हो रहा है। वो अपने दूसरे टीम मेंबर्स के पास जाता है जो एक रेस्क्यूअर या हेल्पर का रोल प्ले करते हैं, और वो उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, हाँ हाँ वो बॉस तो ऐसा ही है, वो बहुत ख़राब है, वो हमारे साथ भी यही करता है और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो वो विक्टिमाइज के साथ एम्पथाइज कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो उसे हैंडीकैप कर रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन यहाँ कोई डिस्कस नहीं कर रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे वही चीज़ अगर हम ड्रामा ट्रायंगल से निकल के एम्पावरमेंट वाला ट्रायंगल अगर अपना है तो ये रोल कैसे बदल जाता है। तो यहाँ पे जो विक्टिम है वो क्रिएटर की तरह सोचे कि मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये कमियाँ आगे ना हो, और बॉस जो एक विलन या पर्सिक्यूटर का रोल प्ले कर रहा है उसे सोचना चाहिए कि मैं कैसे हेल्प करूँ, मैं कैसे एनेबल करूँ उस टीम मेम्बर को कि वो आगे बढ़ पाए, जो कमी उसने दिखाई है वो आगे ना हो पाई, क्या मैं कैसे उसे गाइड कर सकता हूँ। इंस्टेड ऑफ फायर करने की धमकी देना, ये पूछना कि कहाँ कमी रह गई एज अ बॉस मुझसे कि आप अपने गोल्स नहीं अचीव कर पाए। और वहीं पे जो रेस्क्यूअर का रोल प्ले कर रहे हैं दूसरे टीम मेंबर, वो कोच का रोल प्ले कर रहे हैं, वो पूछें उस विक्टिम से या उस एम्प्लॉई से क्या स्टेप्स लेने से आप आगे बढ़ सकते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, कौन से गोल्स आपको क्लियर नहीं थे जिसके कारण आप वो अचीव नहीं कर पाए टारगेट। तो जस्ट ये एक वेग एग्जांपल है बट बहुत एप्लीकेबल है सिनेरियो में, कि वही ड्रामा ट्रायंगल को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं पहले वाले सिनेरियो में, और दूसरे में आप सोल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं कि ठीक है टारगेट मीट नहीं हुआ है बट अब आगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करें।
दूसरा एग्जाम्पल इसका एक ये हो सकता है कि एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत शक करती है, बहुत पजेसिव है, तो यहाँ पे बॉयफ्रेंड जो है वो विक्टिम जैसा फील कर रहा है, उसे सफोकेटेड फील हो रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, हेल्पलेस फील कर रहा है सिचुएशन में। तो वो अपने दोस्त को बताता है जाके कि मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पजेसिव है, वो ऐसा करती है, शक करती है और मुझे बहुत सफोकेटेड फील हो रहा है, मेरा कोई से ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। तो वो बॉयफ्रेंड जो दूसरा फ्रेंड है उस बॉयफ्रेंड का, वो भी उससे एम्पथाइज करता है, हाँ लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं, शक्की मिजाज की होती हैं और वो तो ऐसी ही है एंड सो ऑन। तो ये हो गया एक ड्रामा ट्राइंगल। अब इसमें भी कोई सोल्यूशन तो दिख नहीं रहा है, या तो वो ब्रेकअप ही कर ले परेशान होके, या फिर यही डायलॉग्स रिपीट करते जाएं आपस में तीनों के तीनों। इसकी जगह पे एक एम्पावरमेंट वाला ट्राइंगल क्या हो सकता है कि लड़का लड़की से क्लेरिफाई करे ये बात कि तुम्हारा ये बिहेवियर मुझे कॉर्नर फील करा रहा है, मुझे फ्री नहीं फील हो रहा है रिलेशनशिप में, और लड़की जो है वो विलन की जगह यानी परसिक्यूटर की जगह वो एक चैलेंजर का रोल प्ले करे, वो भी असर्टिवली बताए अपने बॉयफ्रेंड को कि उसके किस बिहेवियर के कारण वो इतनी इनसिक्योर हो रही है, उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो दूसरी लड़कियों से ज़्यादा बातें कर रहा है। और जो फ्रेंड है उस बॉयफ्रेंड का, वो रेस्क्यूअर की जगह एक कोच का रोल प्ले करे, जिसमें वो क्वेश्चंस पूछे विक्टिम को या उस बॉयफ्रेंड को कि क्यों ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि वो लड़की इनसिक्योर फील करे, या फिर उस लड़की को भी वो गाइड करे कि क्यों ऐसा तुम्हें लगता है कि ये फ्लर्ट करता है, क्या तुम्हारा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ऐसा रहा है जहाँ पे तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने कुछ गलत काम किया हो। तो वो सही क्वेश्चंस पूछे ताकि वो लोग एक्चुअल आंसर पे आ पाए, ना कि एक आर्ग्यूमेंट वाले डायलॉग को रिपीट करते जाएं हैमस्टर व्हील की जगह। तो ये तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है इस बहुत बड़े कॉन्सेप्ट में, बट ये छोटी इन्फॉर्मेशन भी हमें हमारे दिमाग के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है और हमें विक्टिम विलन या रेस्क्यूअर का रोल प्ले करने में रोक लगाने में मदद कर सकता है। तो कैसे लगे आपको ये विचार, आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग mindsutra.in पर लॉग इन करिए, और मेरा इंग्लिश पॉडकास्ट भी है, ये सारी डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड